न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। शिवराज से क्यों खफा है आदिवासी जन संगठन? जी हां, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और ये क्या है पूरा मामला जिस पर पूरा आदिवासी जन संगठन सड़कों पर नजर आ रहा है, इसकी क्या है वजह, इसके पीछे की वजह और इसके पीछे के कारण, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में आदिवासी जन संगठन और आदिवासी लोगों में, जैसे नेमावर वाली घटना हो या और कोई घटना हो, ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में बीती है और उन घटनाओं पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी एक बड़ा सवाल है, जिनसे काफी जो है नाराज आदिवासी जन संगठन नजर आए। खासकर मध्य प्रदेश में एक बड़ा मामला जिसमें नेमावर हत्याकांड वाले मामले में जो है जनप्रतिनिधियों की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। रही बात इसी बीच में जले पर नमक छिड़कने जैसा काम अभी बीते कुछ दिनों में हो चुका है, वो है विश्व आदिवासी दिवस। जी हाँ, एक बड़ा जो है एक जले पर नमक छिड़कने वाला काम जो हुआ है, विश्व आदिवासी दिवस को मध्य प्रदेश में उस अवकाश को रद्द करना मध्य प्रदेश और शिवराज सरकार का, इस पर जो है बड़ा बवाल मचा हुआ है। और इस बड़े बवाल को लेकर पूरे प्रदेश, खासकर निमाड़ के खरगोन और बड़वानी जिले में बवाल मचा हुआ है। वहीं आपको एक और तस्वीर हम आपको यूं दिखा दें कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में आदिवासी जनप्रतिनिधि जो कि सुमेर सिंह सोलंकी है, गजेंद्र सिंह पटेल है और तमाम तरीके के जो है नेता हैं जो निमाड़ से और बड़वानी खरगोन जिले से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों की इस मुद्दे पर चुप्पी एक बड़ा सवाल और बड़ा बवंडर खड़ा कर रही है, जिसे लेकर आदिवासी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं बात जो है बारिश ना होना, जी हाँ, बारिश ना होने के कारण जो है आदिवासी संगठन सड़कों पर नजर आ रहे हैं, कर्ज माफी को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान बदहाल है, परेशान है और जो है सूखा घोषित करने के लिए किसान अड़े हैं। तो ये पूरी तस्वीर और कल का जो निवाली में एक भारी भीड़ किसानों की, साथ में आदिवासी जन नेताओं के साथ में जो है तहसील जो है कार्यालय वहां पर पहुंचते हैं और वहां उन्होंने ज्ञापन देते हैं कि बड़वानी जिले को सूखा घोषित किया जाए। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए मेरे साथ में न्यूज़ लीडर्स पर। हम जो है आज निवाली तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिए हैं कि इस वर्ष बड़वानी जिले में पानी समय पे नहीं पड़ने के कारण किसान के जो है बीज का नुकसान हुआ है और आगे जाकर जो है फसल नुकसान होने वाली है, इसलिए बड़वानी जिले को जो है सूखा घोषित करवाने, साथ ही जो है किसानों ने पिछले 5 साल से जो कर्जा लिया है तो पिछले 5 साल से लगातार समय पर पानी नहीं गिरना, किसानों की फसल ठीक ढंग से नहीं आना, तो वो कर्जा नहीं भर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है किसानों का कर्जा माफ हो और माफ करने के लिए जो है सरकार ने अलग अलग जो है कानून बनाए हैं, जिसमें जो है यहाँ दायित्व निर्धारण नियम 1979 के तहत आदिवासी अगर जिस उद्देश्य से कर्जा लेता है और उसका वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में वो कर्जा नहीं भर पाता है, तब जो है आदिम जाति कल्याण जो है उस आदिवासी किसान का कर्जा भरना चाहिए और वो भरने के लिए जो है संविधान के अनुच्छेद 275 परंतु एक के तहत गच्छित धन में पैसा भारत सरकार जमा करके रखी है कि आदिवासी के ऊपर जब भी आपत्ति आएगी तो गच्छित धन से पैसा निकालकर आदिवासियों को वो पैसा देना है।